हर खबर की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। राज्य के पूर्व सैनिकों, विधवाओं और वीर नारियों को कानूनी अधिकारों से रूबरू कराने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर का शुभारंभ केआरसी रानीखेत से हो गया है। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के तत्वाधान में सेना के दीवान सिंह हाल में सभी पूर्व सैनिकों को न्याय मिले, इसके लिए रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति बीरेंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि रानीखेत में उनका पहला कार्यक्रम है। दरअसल उत्तराखंड में पूर्व फौजियों, वीर नारियों की अच्छी संख्या है, इसलिए न्यायाधिकरण ने सेना के साथ मिलकर पूर्व सैनिकों को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने का बेड़ा उठाया। पैरा लीगल वॉलंटियर की सूची और उनके नंबर भी जिला सैनिक अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि पूर्व सैनिकों को घर घर तक कानूनी जानकारी उपलब्ध कराना उद्देश्य है। अभियान को रानीखेत से शुरू किया गया, अब यह कार्यक्रम हल्द्वानी, लैंसडाउन, देहरादून में भी आयोजित किए जाएंगे। शिविर में पांचों जिलों से लगभग 500 पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने भाग लिया। बताया गया कि राज्य के अन्य जिलों में भी शीघ्र जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों से संबंधित पहले सुनवाई लखनऊ में होती थी, अब नैनीताल में सुनवाई हो सकेगी। भविष्य में देहरादून, लैंसडाउन, हल्द्वानी में इस तरह की सुनवाई हो सकेगी। न्याय चला फौजी से मिलने जैसे कार्यक्रमों से उक्त सभी को लाभ पहुँचेगा। रानीखेत का नाम वीरता के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। केआरसी कमांडेंट द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनका पूरा सहयोग रहेगा। बता दे कि यह कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, उत्तराखंड सैनिक बोर्ड और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के प्रयास से अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिले के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों, विधवाओं, वीर नारियों के लिए किया गया। इस मौके पर दीप प्रज्वलन में एयर मार्शल बीबीपी सिन्हा, मेजर जनरल परवीन कुमार, शैलेंद्र शर्मा अटल, वरिष्ठ अधिकारी स्थायी अधिवक्ता केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर जीएस राठौर थे। मुख्य जनों को वृक्ष की पौध देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा उनके अधीनस्थ जनों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मिले, इसके लिए सभी प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि उनके न्याय में आने वाले मामलों पर गंभीरता से सुनवाई कर राहत दी जाती है। रानीखेत में पहली बार इकट्ठे हुए और आज पांच डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग हम फौजियों को यहाँ पर ब्रिगेडियर को साथ लेकर आए और उसके बाद हम एक अपना बिजनेस सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे मेजर जनरल परवीन जो इंडियन आर्मी के जैग हैं वो अपने इस सेशन के अंदर बताएंगे कि फौजियों के लिए कौन कौन से उनके कानूनी अधिकार हैं जो उनका हक है और उसके लिए किस तरह से लीगल सर्वे अथॉरिटी और AFT आपके लिए खड़ी है। आपके आज रानीखेत के अंदर जिसके जवानों का हिंदुस्तान की तरफ से लड़ाई के अंदर बहुत बड़ा हाथ है। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए रानीखेत से नंद किशोर गर्ग की रिपोर्ट।